subscribe to my channel and hit the bell icon, so you never miss any video from my channel. बेमेतरा में प्रशासन शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए तमाम कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग में शिक्षक की कमी के चलते बच्चों के भविष्य अंधकार में जा रहा है। जिला बेमेतरा के नवागढ़ विकास खंड में आने वाले पूर्व माध्यमिक शाला व हाई स्कूल मेहना में शिक्षक की कमी लंबे समय से बनी हुई है। कक्षा 9वीं व 10वीं में 173 व पूर्व माध्यमिक शाला में 224 बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो केवल दो शिक्षक के भरोसे है। शिक्षक की कमी होने से कुछ विषयों की कक्षा भी नहीं लगाई जा रही है। बच्चों ने बताया कि शिक्षक की कमी होने से सभी विषयों की पढ़ाई नहीं होती है। 10वीं बोर्ड परीक्षा है, लेकिन सभी विषय की पढ़ाई नहीं होने से परीक्षा में दिक्कत आना स्वाभाविक है। जबकि 4-5 शिक्षक होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ केवल 2 ही शिक्षक हैं। हालांकि जल्द शिक्षक के आने से पढ़ाई में सहयोग मिलने की बात बच्चे ने कही। आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास से? अच्छा, यहाँ की पढ़ाई की स्थिति क्या है? अच्छा, तो एक आध क्लास भी लग पाता है, ऐसा है क्या? कितने दिन से है? ओके, क्या नाम है आपका? कुलदीप। कौन से क्लास में हो? 10वीं। यहाँ पढ़ाई की स्थिति क्या है और ग्रेड कैसे लगता है? दो ही टीचर होने के कारण 2 ही ग्रेड लगता है, और टीचर होता तो और टीचर नहीं है, इसलिए और भी से पढ़ना होता है। तो जो पंचायत से जो यहाँ शिक्षक व्यवस्था किए हुए हैं अपने सर लोगों के द्वारा, उन बात सेंचुरी कर पाए? यस। कितने दिनों से आसन से? दो साल, बहुत साल। कितने शिक्षक की कमी है? 4। लगभग 4 शिक्षक की कमी है। तो क्या चाहते हैं आपको? और विषय पर विचार। हाँ जी। आपका नाम? टीकाराम स्वामी। कौन से स्कूल से हो? शासकीय हाई स्कूल में। कौन सी क्लास में हो? 9। पढ़ाई वढ़ाई का स्थिति यहाँ का? पढ़ाई का तो सब्जेक्ट ठीक होता है, बाकी टीचर नहीं, उसके कारण स्लो है। कब से नहीं है? जब से स्कूल खुला है तब से नहीं है। इसके बारे में कहीं मांग क्यों करते हैं सरपंच जी से, पर नहीं हो पाता। अच्छा, क्लास में 20+ रिजल्ट आया है और 9th क्लास में 60+। तो टीचर की जो कमी बनी, टीचर्स की बस कमी है सर ज़्यादा, लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बच्चों को नुकसान हो ऐसा नहीं है। इसके लिए हम व्यवस्था बच्चों के द्वारा ही करते हैं, बच्चों को ग्रुप में बांट भी देते हैं। क्लास वाइज 5-5-6 बच्चों के ग्रुप भी बना दिया गया है, उस ग्रुप के हिसाब से हम बच्चों की स्टडी कराते हैं, पेपर भी लेते हैं, मूल्यांकन लेते हैं, उसको चेक भी कराते हैं। इस तरह से मतलब पढ़ाई के लिए व्यवस्था भी किया गया है, और ख़ासतौर पर क्लास 10 के लिए स्पेशल हम लोग जो है इसका नया तरीका बनाया गया है, जिसमें सारे बच्चों को 5 सेट क्वेश्चन पेपर कुछ छाट के लिए दिया गया है, ताकि उससे हम लोग रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो सके। और उसी तरीके से क्लास 9 के लिए हम लोग बांट गए हैं, ग्रुप में भी बांटा गया है, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि रिजल्ट अच्छा से अच्छा आ सके। जो शिक्षक की कमी जो बनी हुई है, तो इसके लिए मांग किया है या नहीं किया है? टीचर्स के लिए मांग किया गया सर, और शाला प्रबंधन विकास समिति के द्वारा भी इसका मांग किया गया है, उसके माध्यम से भी जो है आवेदन सबमिट किया गया है, दे दिया गया है। वही गवर्नमेंट के सिस्टम है, गवर्नमेंट जैसा चाहे उसके हिसाब से होगा। कितने टीचर का मांग किया है? टीचर्स की मांग हमारे भी 4 टीचर्स की कमी है सर, मतलब 3 टीचर्स की कमी है। हिंदी वाले जो व्यवस्था में चले गए हैं स्कूल पर, जो वैसे पद अभिरिक्त 3 पद है, जिसमें से गणित है, सामाजिक विज्ञान है और संस्कृत है। तो विशेष तौर पर गणित के लिए दिक्कतें होती हैं, तो खासतौर पर सबसे प्राथमिकता हम लोग की गणित विषय के लिए टीचर्स की सबसे पहली जरूरत है, ये मांग किया गया था। अभी व्यवस्था भी किया गया था टीचर्स का, लेकिन अभी तक आया नहीं है। कितने सालों से बना हुआ? ये तकरीबन 4 साल हो गए सर, जिसमें हम लोग 2 टीचर्स हैं वर्तमान में, 1 सर का व्यवस्था हो गया है, बाकी 2 टीचर्स के भरोसे चलता है आपका।